जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल फौजी फॉरएवर में। आज हम बात करेंगे CISF ट्रेडमैन की सैलरी के बारे में। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि CISF ट्रेडमैन की सैलरी जो है ट्रेनिंग टाइम में कितना मिलेगा और यूनिट में कितना मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं, CISF ट्रेडमैन की सैलरी जो है ट्रेनिंग टाइम में कितना मिलेगा। तो अब बात करते हैं सैलरी की। तो बेसिक आपका जो है 21,700 मिलेगा। डीए जो है आपका जो है अभी 50% हो गया है तो 10,850 रुपया उसका मिल जाएगा। टीपीटी जो है आपको 1,800 रुपया मिलेगा। डीए ऑन टीपीटी जो है आपको 900 रुपया मिल जाएगा। मुआवजा घर यानी कंपनसेशन का जो है आपको 1,800 रुपया मिल जाएगा। सॉप अलाउंस यानी साबुन अलाउंस जो है वो भी आपको 45 रुपया मिल जाएगा। राशन का जो है अभी 3965 रुपया है, जो 50% डीए होने के बाद जो है आपका इसमें 200-300-400 रुपया जो है इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अभी टोटल जो है आपको 41,060 रुपया जो है सैलरी के आसपास ऐसे बनेगा, 41,000 के आसपास, जिसमें जो है आपका कटिंग भी होगा। कटिंग किस चीज़ का होगा? तो एनपीएस का कटिंग होगा और राशन का कटिंग हो जाएगा इसमें। तो लगभग वही 7400 रुपया के आसपास आपका कटिंग हो जाएगा। कटिंग होने के बाद जो है आपका लगभग 33,660 रुपया यानी लगभग 34,000 के आसपास बनेगा। अब बात आती है कि ट्रेडमैन की सैलरी जो है यूनिट में कितना मिलेगा। तो यूनिट में जो है यही सैलरी आपको यूनिट में भी मिलेगा, बस इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ऐड होगा, वो है अलाउंस। ठीक है, क्योंकि सारे जो है टीपीटी वगैरह सब कुछ ट्रेनिंग टाइम से ही आपको मिलने लगेगा, तो सिर्फ और सिर्फ अलाउंस ऐड होगा। और अलाउंस जो है आपको हर यूनिट में CISF के नहीं मिलेगा। ठीक है, कहीं कहीं यूनिट में जो है अलाउंस है, कहीं कहीं नहीं है। अलाउंस जो है आपको 7,000, 9,000 और 17,000 इस तरीके का अलाउंस देखने को मिलेगा। तो जिन लोगों का जो है यूनिट अलाउंस वाली जगह पे पड़ेगा, उनका सिर्फ और सिर्फ इसमें अलाउंस ही ऐड होगा, बाकी जो है यही सैलरी आपको यूनिट में भी मिलेगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरीके की वीडियो लेके आपके लिए आता रहूँगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।